तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। वैसे तो विंडोज आपको बहुत से बेसिक प्रोग्राम्स देता है, लेकिन अगर आप कोई विशेष प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम इंस्टॉल करना इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रोग्राम कहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे कि सीडी या डीवीडी, इंटरनेट या अपने किसी स्टोरेज से सेव की हुई सेटअप फाइल या exe फाइल से। अगर आप सीडी या डीवीडी से इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको सीडी या डीवीडी अपने डीवीडी राइटर में इंसर्ट करनी होगी और उसके बाद इंस्टॉलेशन विजार्ड आएगा जिसमें ऑटो प्ले का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको रन करके और सेटअप के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। और अगर ऑटो प्ले का डायलॉग बॉक्स नहीं आवे तो आपको सीडी को ओपन करके और सेटअप फाइल को रन कराना होगा। और अगर आप इंटरनेट से प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं और जब आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ओपन और दूसरा सेव। अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम ऑनलाइन इंस्टॉल होगा, और अगर आप ऑफलाइन में करना चाहते हैं यानी कि सेटअप फाइल डाउनलोड करके करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेव पर क्लिक करना होगा। और अगर आप स्टोरेज से प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको सेटअप फाइल या इंस्टॉलेशन फाइल या exe फाइल जिसे हम कह सकते हैं उसको रन कराना होगा और सेटअप के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि सेटअप फाइल से प्रोग्राम हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए उसकी सेटअप फाइल या exe फाइल की जरूरत होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे YouTube डाउनलोडर इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो उसके ये मेरे पास सेटअप फाइल या exe फाइल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसकी ये exe फाइल है। तो जब आप सीडी को ओपन करके देखेंगे तो भी इसी प्रकार की एक exe फाइल या सेटअप फाइल होगी, और अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल सेव करते हैं तो भी ये इसी प्रकार की सेटअप फाइल या exe फाइल आएगी। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की और ये आपके सामने है। और अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है तो इस प्रकार का फोल्डर डाउनलोड होगा जिसमें आपको सेटअप फाइल खोजनी होगी, जैसे कि ये मैं ओपन कर रहा हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी सेटअप फाइल है, और अगर आप इसको रन कराएंगे तो ये भी ये प्रोग्राम भी इंस्टॉल हो सकता है। तो फिलहाल मैं YouTube डाउनलोडर इंस्टॉल करूँगा। अब आपको किसी प्रोग्राम की सेटअप फाइल रन कराने के लिए उस पर डबल क्लिक करना होगा, या फिर रन करने के लिए राइट क्लिक करें और ओपन पर क्लिक कर दें। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन विजार्ड आ गया, इसमें आपको यहाँ से रन कराना होगा और यहाँ से नेक्स्ट करना होगा, यानी कि इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। तो नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से मैं इंस्टॉल करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो रहा है YouTube डाउनलोडर, ये वीडियो डाउनलोडर इंस्टॉल हो चुका है। इसमें ये मेरे को पूछ रहा है कि आप बैकअप लेना चाहते हैं या नहीं, तो उसके लिए मैंने नो थैंक्स पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं स्टार्ट वीडियो डाउनलोडर या YouTube डाउनलोडर, तो मैं यहाँ से चेकआउट का निशान हटा दूंगा, यानी कि मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। ये मैंने उदाहरण के तौर पे आपको प्रोग्राम इंस्टॉल करना सिखाया, लेकिन अलग अलग इंस्टॉलेशन फाइल या सेटअप फाइल अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो लगभग इसी पे आधारित होते हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये वीडियो डाउनलोडर का आइकन आ गया, और यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स में भी ये वीडियो डाउनलोडर का प्रोग्राम आ चुका है। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा, यहाँ पे कंट्रोल पैनल पर डबल क्लिक करके आपको ओपन करना होगा, और इसमें आपको प्रोग्राम्स ओपन करना होगा और प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ओपन करना होगा अब। और ये आप देख सकते हैं कि अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम, यानी कि ये वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि मैंने अपने पीसी में इंस्टॉल कर रखे हैं। और अगर आप जिस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना चाहें उस पर क्लिक करें
जैसे कि ये वीडियो डाउनलोडर था जो कि हमने इंस्टॉल किया था, अगर इसे अनइंस्टॉल करना है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, और या तो यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल पर क्लिक करूँगा और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँगा जैसे नेक्स्ट, और अनइंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो रहा है, और फिनिश पर क्लिक कर दूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो वीडियो डाउनलोडर का प्रोग्राम था वो यहाँ से हट गया, यानी कि पूरी तरह से अनइंस्टॉल हो गया। तो इस प्रकार आप प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ से मैं विंडो क्लोज कर दूँगा। और अगर आप प्रोग्राम इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो किसी भी विश्वसनीय पब्लिशर या वेबसाइट से डाउनलोड करें, नहीं तो अननेसेसरी फाइल्स आने का खतरा बढ़ जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कंप्यूटर कोर्स से जुड़े और वीडियो के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई गई लिंक पर क्लिक करें, और हमारी रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।